हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग लाइफ। तो कैसे आप सब लोग? भारी अपन भी लाइव भारी। तो अभी सुबह के 8 बज गए और अभी हम लोग निकल रहे हम्पी के लिए। ये मैंने न्यू टेल बैग परचेस किया वाइट एरा का। इस टेल बैग में 15-20 दिन का पूरा ट्रिप का लगेज आपका बैठ जाएगा। और मेरा भी 10-12 दिन का लगेज इसमें है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी को लेना है स्कूटर के लिए, बाइक के लिए, हर टाइप के लिए ये बेस्ट है। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो तो दोस्तों निकल पड़े हम हम्पी के लिए। मेन जो हाईवे ना कर्नाटक का लगा है। हाँ कुछ है? हाँ 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 सरसरा जाना। हाँ ठीक है चलो। थैंक यू भाऊ। क्या है मनोज भाई, गूगल मैप के ऊपर भरोसा रखना सही नहीं है, लोकल को भी पूछ के रहने का। कल विटू मावली का मस्त हम लोग ने दर्शन लिया और जो होटल में हम लोग खाना खाने गए थे रात का, वहाँ पे ना महाराष्ट्र थाली लिया था, एक नंबर थाली था, बस 80 रुपीज में। दिल खुश हो गया। बाकी सीधा सीधा रोड है और पूरा खाली पड़ा है। लेफ्ट साइड में भी खेती, राइट साइड में भी खेती। ये जो नजर है ना सुबह का, वो देखते देखते राइड करना। चलो ऑफ रोड भी मिल गया आज के राइड में। क्या बात है। तो ये नया ब्रिज बन रहा है, काम चल रहा है। हाँ, और ये बहुत पुराना टाइम का ब्रिज। बारिश में अच्छा खासा पानी होगा यहाँ पे। अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। MBC ब्रदर्स, महाराष्ट्रियन पंजाबी राजस्थानी ढाबा। तो चलो यहीं पे करेंगे ब्रेकफास्ट। और मुझे डे वन का जो वीडियो है वो अपलोड तो मैंने कर दिया, बस उसमें टाइटल वगैरह थंबनेल जो भी है वो पूरा सेट करना है। सल्लू भाई नाच रहे। सल्लू भाई, शाहरुख भाई क्या करे हाय, कुछ कुछ होता है। ये सामने ट्रैक्टर वाला जा रहा है, अभी इसने पूरा डीजे लगा दिया लग रहा है। तो आप म्यूजिक चल रहा है इसके लिए मैं ब्लॉक करने थोड़ा दूर आया हूँ, नहीं तो अपन इतना मेहनत करेंगे और फिर कॉपीराइट आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा दूर आके बात करो आपसे। और थोड़ा चलना भी हो रहा है ना, बैठे बैठे पक जाता हूँ। आज का जो राइड है वो 355 किलोमीटर का है। तो चलो ब्रेकफास्ट करके लेता हूँ, अभी पराठा ऑर्डर किया है, पराठा बन रहा है, आ गया रहेगा शायद से, खा लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। बस अभी ये याद रख के चलना है कि 2 पॉइंट ही बचा है मेरा, मैं तो चलते चलते जाऊँगा तो मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। आगे किधर पेट्रोल पंप पे रुकूँगा और टंकी पहला फुल कर दूँगा। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर तक ऐसा ही रोड है, छोटा सा गांव खेड़े से होके जाएंगे हम, उसके बाद में फिर अच्छा रोड मिल जाएगा। वो बैलगाड़ी इस बचपन में इससे सवारी करने के लिए भी हम लोग रोने के। और ये हमारा दोस्त कालू ने दिला चाव। बहुत टाइम के बाद में कोई ट्रक देखा हूँ मैंने। थाम रे लेका थाम। कब हाईवे आएगा ना, ऐसा हो रहा है अभी यार, बहुत टाइम हो गया। रोड तो सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी ऐसा पूरा खाली खाली रोड रहेगा ना तो फिर नींद आना चालू हो जाता है। अभी फाइनली हमको हाईवे मिल चुका है। हाँ कैमरा है। हाँ हाँ, जिधर भी घूमते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है। और यूट्यूब पे चैनल है ना तो वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ वीडियो। हाँ ऐसा चालू है अभी, तुम सब लोग आ रहे हो। हाँ हाँ हाय करो सब। अपना थोड़ा अलग है। बड़ा गाड़ी लेने का सोचा है, छोटा गाड़ी चलो चलो सर जी। थैंक यू बाय।
ओहो, क्या बात है, इन लोग सुन रहे ने यार। देखो दोस्तों, देखो इनके ऊपर से मुझे अभी गाना याद आ रहा है, जिंदगी का नाम दोस्ती। दोस्ती का नाम ट्रिपल सीट। ये पिछले 1 किलोमीटर से ऐसे पूरा जाम लगा है, दोनों साइड से ट्रक आ रहे जा रहे। कर्नाटका में हम लोग आ गए और पिछले 20 किलोमीटर से होटल ही नहीं दिख रहे। अब ये सामने एक होटल है, अगर सही लगा तो यहाँ पे रुकेंगे और लंच करेंगे। तो ये जो पीछे ढाबा था वो सही नहीं लगा, अभी पेट्रोल पंप वाले को पूछा, उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर के बाद में अच्छा होटल है, तो इतना चला है तो 2 किलोमीटर और चला लेते और रुक जाते। फाइनली हमको होटल मिल गया है, छोटा सा क्यों ना हो पर बढ़िया है। कर्नाटक का इडली देखो कितना बड़ा है, देखो मेरा हाथ देख लो, इतना बड़ा इडली। तो अभी कॉफ़ी ऑर्डर किया था, कॉफ़ी पी रहा हूँ। डे वन का जो वीडियो है उसका कमेंट दिख रहा था मैं, तो सब भाई के बहुत अच्छे कमेंट है कि भाई टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट है, पर मैं रिप्लाई किसी का कर नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ आपको, समझ के ले लेना। और हाँ, एक भाई सेफ करके कोई है, उसका कमेंट देखा मैंने, वो बोलता है कि भाई तू कंटेंट के लिए ये सब कर रहा है, लाइक के लिए कर रहा है, तू एक वीडियो मेरा देखा रहेगा, हम लोग इतना अच्छा अच्छा ये सब काम करते हैं ना, कभी कभी तो वीडियो में हम लोग दिखा दी भी नहीं। वो ऐसा ही समझ सकता हूँ कि जो हुआ ना उसमें मेरा नसीब ही खराब रहेगा, मेरा टाइम खराब रहेगा। और कंटेंट की है ना, हम लोग को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है रे ये सब करने की। हम लोग ट्रैवल पे निकलेंगे ना, 400-500 किलोमीटर का राइड रहता है, वो राइड में कितने लोग हमको मिलते हैं, बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है रे, ये सब करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि हम लोग डॉग लवर है, मेरे घर पर भी डॉग है, तो थोड़ा भावनाओं में बह गया मैं, और भावना ने ही मुझे काट लिया, ऐसा ही समझ लो। पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा नहीं करना, ये मुझे अभी समझ में आ गया, टाइम ही पूरा था, हो गया अभी, हो गया ना यार, ऐसा नहीं है कंटेंट के लिए भाई, ऐसा मत सोचो, कोई भी ऐसा मत सोचो। ये हम लोग जहाँ पे रुके वहाँ पे गुजरात वाले अपने भाई मिले हैं दोनों, क्या नाम है आपका? नमन नायक। तो इनके साथ भी बहुत टाइम हमारा बातचीत हो गया, और मनोज भाई भी गुजरात के, तो मनोज भाई और इनकी तो बहुत अच्छी जम गई। हम किधर लंबा आते हैं और अपने लोग कहीं मिल जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलो हाँ मिलेंगे, चलो चलो बाय, वेलकम। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों भी हेलमेट पहन के बैठे, बहुत अच्छा लगता है देख के यार कि अपने सेफ्टी का ख्याल रख रहे। नया माइक मैंने लिया था 1700 रुपये का, वो माइक बहुत अच्छा है, पर उसमें जो मेल फीमेल एडेप्टर लगता है ना वो सही नहीं निकला है, उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है। तो ईयरफोन अगर आप पहन के सुनोगे तो वन साइड लेफ्ट साइड में आपको वॉइस आएगा, तो उसके लिए सॉरी। और ये जो अभी माइक लगाया ना मैंने, ये बोया का M1 माइक मैंने आज सुबह लगा दिया, हेलमेट में पूरा सेटअप किया है, तो डे वन के लिए सॉरी यार थोड़ा, और आप लोग समझ के लेते हो मुझे हर टाइम, उसके लिए थैंक यू। पहला कभी कर्नाटका वगैरह लंबे लंबे जगह का नाम सुनता था तो कितना लंबा है ऐसा लगता था, और कभी जाऊंगा मैंने सोचा भी नहीं था, आज देखो कितनी कितनी जगह पे घूम रहा हूँ, कर्नाटका भी जा रहा हूँ। फुल कर देना, बहुत ही अच्छा इंसान है यार। अभी मेरा जो बंजू कॉर्ड है वो खुद ही लगा रहे, मतलब खुद से ही लगा रहे थे, मैं बोला नहीं नहीं मैं लगा दूंगा यार। इनका नाम है प्रकाश, प्रकाश। और ये देखो दो प्यारे से कैसे जा रहे, अरे देख रहे मेरे पास, हाय हाय हाय, अरे रुको 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 जरा, तो एक बार मैप चेक कर लेते हैं कितना किलोमीटर बचा है, तो उससे फिर सोचने के लिए टी ब्रेक लेना है तो कितने किलोमीटर बाद ले सकते हैं, ऐसा सब प्लान करने का राइड के टाइम पे। NH50 हाईवे से अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो
तो खाने पीने का बराबर, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मनोज भाई भी वही बोल रहे हैं, खाना पीना सब लेकर चलो, यहाँ पे कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, और टॉयलेट पे अगर जाना है तो आपको रोड पे ही जाना होगा, पेट्रोल पंप भी दूर दूर तक नहीं है तो टंकी भी फुल रखो। अरे भाई ये तो आधा ये साइड आ गया है, ट्रक का देखो लोड लेफ्ट साइड में है पूरा। तो भाई हम लोग अंगूर ले रहे हैं, आज सुबह हम लोग का प्लान बना था अंगूर लेंगे होटल में खाने के लिए। हाँ, और यहाँ पे आना, यहाँ से जाते हो तो इनके पास से अंगूर लेकर जाना है ना। बाय, चलो एक टी ब्रेक हो जाए उसके बाद में क्या, अभी कितना है 40-50 किलोमीटर बचा रहेगा अभी यहाँ से। कुछ सुन, हम्पी कितना किलोमीटर है यहाँ से? 50 तो 50 किलोमीटर है यहाँ से हम्पी, तो एक टी ब्रेक हो जाए और उसके बाद में डायरेक्ट होटल तक। इंटरकॉम का ना फ़ायदा बहुत है भाई, जैसे किधर भी रुकना हो तो बता दिया भाई, साइड में लगा देना, चाय पियेंगे, ये बहुत सही है। नहीं तो पहला कैसा होता था जब इंटरकॉम नहीं देता, अभी फिर पै 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 बजाओ, ए साइड में ले, लेफ्ट 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 में लगा, ऐसा इशारा करना पड़ता था। अभी अपना राइड बहुत ईजी जा रहा है इंटरकॉम के वजह से। इतना मस्त चाय बन रहा है, दो शुगर लेस और एक शुगर, मस्त बनाओ एकदम भैया। चाय बहुत बढ़िया था। हम्पी यहाँ से 16 किलोमीटर पे और टाइम हो रहा है 6:30 बज के गए, तो और आधा घंटा जाएगा ऐसा बता रहा है मैप में। तो चलो कोई बात नहीं यार, 7:30 के पहला होटल में हम लोग पहुँच जाएंगे। ये देखो ये रेड साइड में जो लगा ना रेडियम, वो क्या चमक रहा है, मतलब समझ में आ रहा है रोड कैसा टर्न लेना क्या लेना, बहुत सही। कर्नाटका का जो सिटी का जो रोड है ना बहुत सही है, और हाईवे जो है NH50 ना मनोज भाई, NH50 जो है ना वो भी बहुत बढ़िया है, क्या लग रहा है यार कदम से। कल घूमने के लिए मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आज का जो तो राइड था ना वो बहुत ही टफ बोल सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा रोड था और हम लोग ना पक गए थे डे वन में ना, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ सब हुआ, पर भी वो राइड है ना ठीक ठाक था, और ये वाला राइड पे बहुत पक गए तो फाइनली अभी रूम पे आ गए, तो अभी सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रहा है। और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।